मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे नंबर 8 धोरड़ पार्टी के पास मानव सेवा आश्रम आया हुआ है। वहाँ संत आसाराम जी बापू आश्रम प्रेरित महिला उत्थान मंडल द्वारा रक्षाबंधन कार्यक्रम हुआ। ये रक्षाबंधन के कार्यक्रम के निमित्त यहाँ पर आज हम लोग आए हैं। यहाँ अहमदाबाद महिला उत्थान आश्रम से बहनें आई हुई हैं, इन्होंने सबको यहाँ पे राखी बांधी, मिठाई बांटी। जेलों में भी और अनाथ आश्रमों में अलग अलग जगहों पे ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, मतलब भारत भर में कार्यक्रम। हाँ, पूरे भारत भर में। अब ये बहनें बता रही थी राजस्थान से इधर आई हैं, फिर आगे बड़ौदा आदि भी जाना है और आगे के कार्यक्रम चलेंगे। रक्षाबंधन के कार्यक्रम हो रहे हैं। हम मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट नाम की संस्था चल रही है। बिनवासी पीड़ित प्रभु जी का आसरा है, जैसे जिसका कोई नहीं है पीड़ित, हम उसको रखते हैं, अच्छा होने के बाद घर भेजने का सेवा काम करते हैं। आज जो आसाराम जी बापू के भक्त लोग आए और यहाँ कार्यक्रम किया, उसके बारे में क्या कहो? हमको बहुत खुशी है। हम तो ये बता रहे हैं हर साल और हर समय पे कहीं कहीं प्रोग्राम ऐसे लोगों करे, कोई संस्था द्वारा या तो साधक द्वारा, तो हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इन लोगों को हम बाहर तो ले जा सकते नहीं, यहाँ आए तो उसको भी खुशी मिलेगी, हमको भी खुशी मिलेगी, सबका भगवान भला करे। जीरम भाई, पहले कभी ऐसा कार्यक्रम हुआ कि रक्षाबंधन का पहला कार्यक्रम? नहीं, रक्षाबंधन का पहले अलग अलग संस्था से होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा मिठाई सबको राखी बांधना ऐसा नहीं होता। आज ये हमारा वैदिक रक्षाबंधन के निमित्त कार्यक्रम हुआ है, जिसमें हमने सभी भाइयों को रक्षाबंधन बांधा और मिठाई दी, दक्षिणा भी उनको वितरित करी। ये कहाँ कहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं? अभी हम पिछले कई दिनों से इसी सेवा कार्य में रत हैं, जिसमें विशेष तौर पर हम अभी राजस्थान की 4-5 जेलों में कार्यक्रम कर आए हैं और आज यहाँ पर आना हुआ सूरत में। मतलब वैदिक रक्षा सूत्र, मतलब उसका क्या महत्व है? वैदिक रक्षा बंधन का मतलब ये है विशेष तौर पर कि राखी तो सभी मनाते हैं, लेकिन ये वैदिक परंपरा के अनुसार हम इसको मनाते हैं, इसीलिए इसका नाम हमने वैदिक रक्षाबंधन रखा हुआ है। आपने बताया जेलों के अंदर और निरंतर कार्यक्रम जारी है, कहीं कोई मना नहीं करता, विरोध नहीं करता कि बापू तो 6 सालों से जेल के अंदर बंद है? नहीं, कभी कोई विरोध अभी तक मेरी नज़र में नहीं आया है। वैदिक रक्षाबंधन को जितने भी हमने कार्य किए इस संदर्भ में किसी ने भी अभी तक कोई विरोध नहीं किया, बल्कि मैंने तो अभी तक यही देखा है कि सभी लोगों का बहुत ही प्रेम पूर्वक, हर्ष पूर्वक लोगों का योगदान इस कार्य में रहा है। महिला आश्रम में रहते हो, बापू के आश्रम में रहते हो, जो बापू पे जो आरोप लग रहा है उसके बारे में क्या कहो? ये आरोप सरासर गलत है, झूठ है। एक पुत्री ही जानती है कि हमारे पिता क्या है। हमारा पूरा विश्वास है हमारे गुरुजी पूर्ण रूप से निर्दोष हैं, निर्दोष थे, निर्दोष हैं, और हम सरकार से भी यही अपील करते हैं कि हमारे गुरुदेव जल्दी से जल्दी बरी हों और हमारे बीच फिर से आए। आपने देखा आज संत आसाराम जी बापू आश्रम महिला उत्थान मंडल द्वारा आज यहाँ वैदिक रक्षाबंधन मनाया गया। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, नेशनल हाईवे नंबर 8 से रफ्तार न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए।